हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच का आउटफिट नंबर 2। इट्स अ वेरी बेसिक सूट और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं इस टाइप के लेस डिज़ाइनिंग के साथ सूट्स। तो आज मैं एक सिंपल सी 10 रुपये वाली लेस को यूज़ करके एक बेहतरीन सा सूट डिज़ाइन करने वाले हैं। आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रिंटेड या फिर प्लेन कपड़े पर आसानी से बना सकते हैं। इसके साथ मैंने प्लाजो भी रेडी किया है और वो पॉकेट प्लाजो के साथ रेडी किया है, तो उसकी तो आपको अलग से सेपरेट वीडियो मिलेगी। बट इस सूट की डिटेलिंग्स आप लोग अभी देख लीजिए कि मैंने इसको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या क्या परचेज किया और कैसे मैंने इसकी डिज़ाइनिंग करी। फुल कटिंग एंड स्टिचिंग तो आपको मेरे मेन चैनल कट एंड स्टिचिंग स्टाइल्स पर मिलेगी, बट इसमें आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखने के लिए मिलेंगे। एंड साथ में मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी दूंगी कि मैंने इसे कैसे रेडी किया, कैसे कट किया, कैसे स्टिच किया, तो जो कि आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इस टाइप के डिज़ाइन को अगर आपको खुद को आती है सिलाई करना, स्टिचिंग करना, आप खुद जानते हैं तो आप घर पे ही कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने टेलर को भी ये डिज़ाइन दिखा करके बनवा सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा गर्मियों में पहनने वाला सूट है, कुर्ती है। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आउटफिट नंबर 2 बनाने वाले हैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच का, जिसके लिए मैंने ये प्रिंटेड कपड़ा ले लिया था और लेस के साथ हम इसकी डिजाइनिंग करने वाले हैं। मात्र 10 रुपये मीटर ये लेस खरीदी थी मैंने और टोटल 5 मीटर मैंने यहाँ पर लेस ली है। आजकल इस तरह की लेस के, कॉटन लेस के डिजाइन बहुत ज़्यादा फैशन में चल रहे हैं, तो मैंने सोचा एक सिंपल सा आउटफिट आप लोगों के साथ शेयर करूं जिसको आप इजीली किसी भी प्रिंटेड कपड़े के साथ बना सकते हैं गर्मियों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ले ली है। अगर आपके पास हार्ड वाली बुकरम है जो कि हम प्रेस से चिपकाते हैं, तो आप उसकी मदद से इस नेक को बनाएंगे तो और ज्यादा फिनिशिंग से बनेगा। तो यहाँ पर देखें, इसकी लंबाई मैंने तकरीबन 17 इंच रखी है और चौड़ाई हमने यहाँ पर 4 इंच ली है। सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, तो नेक की चौड़ाई है हमारी 3 इंच और लंबाई में हम यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी 3 इंच पर निशान लगाकर एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 नेक बनेंगे। तो सबसे पहले हम अपना छोटा वाला गला बनाएंगे जो कि हमारा नॉर्मल नेक का साइज होता है। जैसे कि अगर आपके नेक की लंबाई 6 इंच है, आप हमेशा 6 इंच रखते हैं, तो उसमें से आपको 1 इंच कम रखना है। तो यहाँ पर देखें, 5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी इस तरीके से और यहाँ पर एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। अब अंदर की तरफ से 1 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगाइए और यहाँ पर आपको एक सर्कल बनाना है, जैसे कि गोल गला बनाते हैं वैसे आपको यहाँ पर निशान देना है। अब इस निशान को हमें नीचे वाले पार्ट से मिलाना है, तो यहाँ पर हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक निशान और लगाना है और इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला लेना है। तो ये हमारे नेक की शेप ड्रॉ हो गई। अब हमें अपने नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है, तो देखिए 1.25 इंच पर इस तरीके से निशान बनाएंगे हम पूरे में। तो बिल्कुल प्रॉपर आपके ये निशान लगे होने चाहिए, क्योंकि ये जो हम पैटर्न बना रहे हैं ये हमारा बाहर की साइड की तरफ नजर आएगा, ये उल्टा तरफ नहीं जाएगा। तो इसको बिल्कुल प्रॉपर और नीटली आपको अपने नेक की कटिंग करनी है। तो पूरे में बिल्कुल एक बराबर निशान लगाना है हमें और इन निशानों को मिला लेना है। उसके बाद में हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए, नेक कटिंग हो गया और बहुत ही सफाई से ये कटिंग हुआ है। अब इसको हम कपड़े पर लगाएंगे। तो मैंने सूट से कंट्रास्ट कपड़ा लिया है ब्लू कलर का और इसके ऊपर हम इसको प्रेस के साथ चिपकाएंगे। और चिपकाने से पहले आप नेक की विड्थ को इस तरीके से निशान लगा लीजिए कपड़े पर। 6 इंच की हमने चौड़ाई रखी थी अपने नेक की, तो इस तरीके से निशान लगाकर अब इस पर हम प्रेस लगा लेंगे। और ये लीजिए, हमने देखिए प्रेस लगा ली है। अब साइड का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे और उसके बाद में इसको भी मोड़ते हुए हमें अच्छे से प्रेस कर लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पर एक ही सिलाई के साथ फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बनाने वाले हैं। और ये देखिए, जहाँ पर हमारे ये अंदर वाले हिस्से हैं उसको हम इस तरीके से एक कट दे देंगे। और ये लीजिए, हमने जो नेक है अपना अच्छी तरीके से प्रेस करके बिठा लिया है और बैक साइड से कितने खूबसूरत से फिनिशिंग आ गई है। तो इतनी डिटेल में आपको कोई भी बताने नहीं वाला। अब इसको हम अपने कुर्ती के कपड़े पर लगाएंगे और इसको हम देखें कैसे लगाएंगे। आपको ध्यान से देखना है, कुर्ती का सीधा साइड है ये, इसको उल्टा
कर लेंगे, हमेशा हम जो नेक लगाते हैं वो सीधी साइड की तरफ लगाते हैं और वो बैक साइड की तरफ पलट जाता है, लेकिन इस नेक को हम उल्टी साइड की तरफ रखेंगे और सबसे पहले बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगाएंगे जिससे कि ये फ्रंट वाली साइड की तरफ पलट जाए, और उसके बाद में हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे लेस के साथ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सेंटर पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से, और इसके बाद में अब हमें बिल्कुल बुकरम के साथ साथ में, बुकरम के ऊपर आपको चढ़ा के सिलाई नहीं लगानी, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ में एकदम आपको मिलाते हुए सिलाई लगानी है, और किनारों वगैरह पर एकदम ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर आपको एकदम सफाई के साथ सिलाई लगानी है, वरना आपके जो नोक वाले पार्ट है ना वो अच्छे से बाहर की तरफ नहीं शो होते और वो फ्रंट से देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। तो थोड़े हौले हौले एकदम आराम से आहिस्ता से नेक बनाइएगा, तो जिससे कि एकदम अच्छे से आपके नेक में फिनिशिंग भी आए। तो सिलाइयों वाले काम तो हमने कर लिया, अब देखिए बैक साइड से इस तरीके से ये सिलाइयाँ दिखेंगी, और अब अंदर वाले कपड़े की हमें इस तरीके से कटिंग कर देनी है, थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है और बाकी के अंदर के कपड़े की कटिंग कर देंगे। अब जो भी हमारे किनारे वाले हिस्से हैं वहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे, और अब पूरे कपड़े को आपको सीधी साइड की तरफ पलटना है, और ये जो हमारी किनारी है, नोक वगैरह है, इसको आप किसी भी नुकीली चीज़ से, पेन से अच्छे तरीके से बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। और ये देखिए, हमने इसके ऊपर भी एक बार प्रेस लगा लिया जिससे कि अच्छे से ना बैठ जाए, सेट हो जाए। अब इस पर हम लेस लगाएंगे और लेस से इसमें खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करेंगे, दोनों साइड्स की तरफ अंदर और बाहर की तरफ हम लेस लगाने वाले हैं। तो ये जो कपड़ा है अभी हमने देखे प्रेस के साथ ही इसको सिर्फ पलटा था, अब हमें यहाँ पर पक्की सिलाई लगानी है और हम लेस के साथ ही सिलाई लगाएंगे। तो इसके नीचे हमें लेस को इस तरीके से रखना है जिससे कि इसका एक किनारा पूरा इसमें दब जाए, और इसके बाद में पूरे में हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है, केवल इसके बाहर वाली साइड की तरफ पूरे में घुमाते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे जिससे कि आसानी से ना मुड़ जाए, पूरी आपको लेस यहाँ पर काटनी नहीं है, हल्का सा छोटा सा एक कट लगाना है, और नीचे आपका पूरा सीधा हिस्सा है तो आपको पूरा नीचे सीधी ही सिलाई लगानी है। अब देखिए, जो हमारा नीचे की तरफ ये घुमाव वाला एरिया है वहाँ पर भी आपको इस तरीके से घुमाना है, और यहाँ पर एक प्लेट डलेगी आपकी। अब लेस को उस तरफ घुमाएंगे और आपकी जो प्लेट है ना वो ऑटोमेटिक बन जाएगी जब आप अपनी लेस को दूसरी साइड की तरफ घुमाएंगे। तो अब देखिए, बूट को ऊपर कर लीजिए और इसको अच्छी तरीके से सेट कीजिए अपने लेस और कपड़े के नीचे, जो हमने कपड़ा, जो हमने नेक बनाया उसके नीचे आपको अच्छे से सेट कर लेना है, और यहाँ पर अब हमें सिलाई लगानी है। तो बहुत ही ईजिली जैसे आप अपनी लेस को मोड़ेंगे यहाँ पर एक प्लेट बन जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली बिल्कुल किनारे पे, अब कपड़े को और लेस को इस तरीके से घुमाएंगे और सुई हमारी अंदर की तरफ ही है कपड़े की। जब भी आप कपड़ा घुमाएं या फिर हिलाएं तो आपको सुई को अंदर ही रखना है जिससे कि जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करी थी वहीं से हमारी ये सिलाई शुरू, जहाँ हमने ख़त्म करी थी वहीं से शुरू हो। तो अब इसको दूसरी साइड की तरफ भी सेम ऐसे ही आपको एक प्लेट बनानी है और वापस से मोड़ लेना है, और बाकी आपकी बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी। और यहाँ पर एक छोटा सा कट फिर से लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा थोड़ा सा गुलाई वाला पार्ट है, और बाकी आपकी एज इट इज़ पूरी लेस लग जाएगी। तो बाहर वाली साइड की तरफ इस तरीके से हमें लेस लगानी है, अंदर वाली साइड लगाने में बहुत ज़्यादा ईजी है और ज़्यादा आसानी से लग जाती है। तो एक तरफ की लेस हुई हमारी कंप्लीट, अब हमें दूसरी वाली साइड की तरफ भी सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए इसको लगा लेना है। देखिए, ये हमारी कॉटन की लेस है तो इसमें चुभने गिरने का कोई इशू नहीं है, अदरवाइज़ हम इसे अंडरग्राउंड तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी वैसी लेस यूज़ कर रहे हैं आप जिसमें कि कोने निकले होते हैं और किनारी वाली लेस होती है, नोक वाली लेस होती है, तो उसमें आप इसको अंडरग्राउंड तरीके से भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, एंड में आकर मैंने लेस को कट कर दिया है, और उसके बाद में दूसरे वाले पार्ट से हमने इसको कट रख कर स्टार्ट किया है लगाना। यहाँ पर कोई भी प्लेट नहीं बनानी है आपको, केवल आपको नीचे जैसे आप पहुँचेंगे वहाँ पर आपको पूरी लेस को कट कर देना और पक्का करके आपको दूसरी साइड की वाली लेस को स्टार्टिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा दिया था, आगे वाली साइड की तरफ हमें कट लगाना है इस बार, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से बल्जेस पड़ जाते हैं तो वो थोड़ा सा घूमने लगती है हमारी लेस, इसलिए एक छोटा सा कट यहाँ पर हम आगे की तरफ भी लगा देते हैं जिससे कि अच्छे से बैठ जाए गले पर। अब देखिए, इतना ही लगाने पर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है हमारा गला। तो अब इसके अंदर बीच वाली साइड पर हमें एक कपड़ा लगाकर इस वाले पार्ट को बंद करना है। तो यहाँ से आप नाप लीजिए कि आपको आपके गले की लंबाई कितनी रखनी है। तो हम यहाँ पर तकरीबन 6 इंच रखेंगे इसको, इस तरीके से यहाँ से 1.5 इंच नीचे निशान लगाएंगे, दोनों तरफ आपको 1.5 इंच नीचे इस तरीके से निशान लगाना है जिससे कि बिल्कुल ना बराबर हमारा कपड़ा लगे। तो इसके बीच में लगाने के लिए देखिए, मैंने ये नीले कलर का ही कपड़ा ले लिया है और इसको हमने ऊपर से और ये साइड से सिलाई लगा लिया है।
तो इसको हम इस तरीके से पलटेंगे। तो कपड़ा अच्छे से पलट लिया है हमने, अब इसको हम इसके नीचे रखेंगे इस तरीके से, और जहां तक आपने निशान लगाया है इसको हम वहीं तक ही रखने वाले हैं। तो इसको दोनों साइड्स की तरफ से बिल्कुल अच्छे से हमने देखे सेट कर लिया है। अब यहां पर आप इस तरीके से किसी भी पिन के साथ इसको सिक्योर कर लीजिए, और अब सिलाई लगा करके इस कपड़े को हमें यहाँ पर फिक्स कर लेना है, बिल्कुल जहां पर हमने किनारे किनारे पर देखिए सिलाई लगाई है लेस के साथ, बिल्कुल वहीं पर ही हमें सिलाई लगानी है। सेंटर वाला कपड़ा भी हमने लगा लिया है, और लेस देखिए कितनी अच्छी तरीके से हाईलाइट हो रही है। अब हमें ये देखिए ये वाला पार्ट इस तरीके से उठ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। पूरी किनारी पर हमने लेस लगा ली है और बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सेट हो गया है। अब देखिए जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है ये मुझे थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था, तो आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी मोती लगा सकते हैं। मेरे पास ये टेसल वाली लेस रखी हुई थी, तो इसमें से मैं 2-3 लड़ियाँ इस तरीके से कट कर लूँगी, और इसको हम एज अ टेसल और बटन लगाने वाले हैं। आपके पास भी अगर कोई ऐसी लेस पड़ी हो तो आप उससे भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी मोती नहीं थी, तो तभी मेरे ध्यान में आया कि इससे हम इस तरीके की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आपके भी घर में कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हो जो कि यूज़ ना हो रही हो, तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने नेक को डिज़ाइन करने में। केवल थोड़ा सा दिमाग और थोड़ी सी क्रिएटिविटी करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमने देखिए ये लगा लेना है। पहले तो जितनी भी मोतियाँ हैं सबको हम अपनी सुई में इस तरीके से पिरो लेंगे, और उसके बाद में आखिरी वाली मोती को हल्का सा निकाल करके पूरे मोती को पूरी मोतियों में से दोबारा से आपको ये सुई निकालनी है, और इसके बाद में पीछे की तरफ करते हुए हम इसको पक्का कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2-2 की लड़ी लगाई है, आप चाहे तो 3-3 भी करके लगा सकते हैं। आप कोई टेसल भी यहाँ पर लगा सकते हैं थ्रेड से बना करके, वो भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ भी इस तरीके से 2-2 करते हुए ये लेयर लगा ली है, और ये लीजिए हमारा नेक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा लुक आ रहा है। अगर आपका प्रिंटेड सलवार का कपड़ा है और प्लेन कुर्ती है तो उस पर भी बहुत अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। अब मैंने इसकी देखिए बाजू भी बना ली है, यहाँ पर बाजू पर भी सीधी पट्टी हमने कट करी है, और दोनों साइड की तरफ ऊपर और नीचे की तरफ मैंने इस तरीके से ये लेस लगा दी थी वाइट वाली, उससे भी काफ़ी अच्छी लुक आ रही थी। और इस पर एक चीज़ की कमी लग रही थी मुझे, तो मैंने इसके भी सेंटर पर ना टेसल लगा दिया। आप चाहे तो नीचे वाले साइड की तरफ भी टेसल लगा सकते हैं, जिस तरफ ये जोड़ आता है हमारी बाजू का, बट मैं अपनी ननद के लिए बना रही थी तो उन्होंने कहा कि इसको आगे वाली तरफ ही लगा दीजिए, तो ये मैंने आगे की तरफ ही लगा दिया। उस आगे की तरफ भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, एंड बैक साइड की तरफ भी आप लोग लगा सकते हैं जहाँ पे जोड़ आता है, तो और थोड़ी थोड़ी दूर पर गैप पे भी लगा सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप इसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बाजुएं भी अटैच कर ली थी, और नीचे से मैंने इसका वो चाक वगैरह भी मोड़ ली थी। चाक वगैरह मैंने बिल्कुल सिंपल सोबर ही रखी थी, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा काम इसमें मैंने नहीं किया था, वरना हमारा नेक और बाजू खिल के नहीं आती, क्योंकि सिंपल सोबर सा सूट है ईद के पर्पज़ से, या फिर आप गर्मियों के पर्पज़ से इसको बना सकते हैं, बेहद बेहद खूबसूरत लगता है। एंड पहनने के बाद भी इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको पहन के भी दिखा रही हूँ फुल लुक, जिससे कि आपको मिल जाए और अच्छी तरीके से इसकी गेटअप कैसी आएगी वो भी आपको समझ आ जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सिर्फ बना कर तो दिखा देते हैं लेकिन पहन के नहीं दिखाते, तो इस तरह का पूरा लुक आएगा आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ रही होगी। हमने प्लेन बॉक्स प्लाजो बनाया है, और जो हमने लेस नेक पर लगाई हुई थी वही लेस मैंने इसके बॉटम पर लगा दी है, और एकदम से ना इसका जो किनारा है वो अच्छे से इनहेंस हो गया है। तो इस तरीके से हमारा ये फुल सूट बनकर ये कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और इतनी ज़्यादा मेहनत करके हम लोग ये एक वीडियो बनाते हैं, आपको एक सिर्फ 15 या 20 मिनट आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये पूरा 3 से 4 दिनों का काम होता है जिसमें हम लगातार लगे रहते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने दीदी भाभी मौसी के साथ, जिनको जिनसे आप लोग ये डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, और जिनको भी सिलाई में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।